बच्चों आज हमारी थर्ड क्लास है ग्राफिकल मेथड पे। तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, समझ लेते हैं क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। सो ग्राफिकली द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देखो जब मैं अपनी फर्स्ट क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने अपने तीन मेथड बताए थे, है ना, कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन दे, अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। अगर लाइंस आपस में पैरेलल हो रही हैं, अगर लाइंस आपस में पैरेलल है तो देखो ये कहीं भी कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट कहीं पे भी नहीं होंगे, इसका मतलब ये होता है नो सॉल्यूशन का केस। ये तुम बना भी सकते हो अपनी कॉपी में, नो सॉल्यूशन का केस है ये, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। और अगर लाइन ओवरलैप होती है, एक लाइन पहले से थी और इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन गई, तो इसे बोलते हैं अगर ओवरलैप का केस है तो ये वाला होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, नाउ ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीन केस है हमारे पास, इसके अलावा और भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन है, सो ग्राफिकली द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें ये वाला केस प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है ये आपस में ओवरलैप करेंगे। तो बिल्कुल आसान हो गया, आप मीनिंग समझ गए हैं क्या होने वाला है। जब हम इन दोनों लाइंस को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वो एक के ऊपर एक लाइन बनेगी। अगर ऐसा होता है तो हम वहां पे लिख देंगे कि ये ओवरलैप का केस है, और ओवरलैप का केस हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देता है, तो हमारा अपना क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हम नॉर्मली समझ गए हैं हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, लाइंस को जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो एक के ऊपर दूसरी लाइन बननी चाहिए, बस इतना। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं ग्राफ में। हमें ड्रॉ करना आता है, मैं अपनी तरफ से मैं भी अपना काम कर रहा हूं, अभी तुम बोर्ड में समझते रहोगे चीजों को, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा वो तुम लोग करोगे, राइट। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने पहली इक्वेशन को पिक किया, 2x + 3y = 6। वही x को लेफ्ट साइड रखता हूं, बाकी सबको राइट साइड कर दूंगा, 2x = 6 - 3y, देन x = 6 - 3y / 2। मैं एक टेबल बना लेता हूं यहां पे, जिसकी ये टेम्पररी है, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं होती, मुझे पॉइंट्स की जरूरत होती है x y। अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूं तो क्या होगा, 6 - 0 / 2, 6/2 क्या आया, 3। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 6 - 3 / 3/2 ये हो जाएगा 3/2, मेरे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू आई, तो मैं अवॉइड करूंगा, मैं 1 नहीं लिखूंगा, मैं 2 लिखता हूं, 2, 6 - 3 / 6/2, 6 - 6 = 0, 2 रखने पे 0 मिला, ये सही है। मुझे थोड़ा सा आइडिया रखना है कि जब मैं इवन वैल्यू रख रहा हूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर इंटीजर की फॉर्म में मिल रहा है, तो ठीक है, मैं अब 3 ना रख के मैं 4 रख लेता हूं। यहां पे मैं 6 - 3 / 4/2, 6 - 12/2, -6/2, दैट इज -3। -3 आया जब मैंने 4 रखा, तो मेरे पास तीनों पॉइंट निकल गए। मैं इन तीनों पॉइंट्स को यहां पे लिख लेता हूं, फर्स्ट पॉइंट इज 3, 0, सेकेंड पॉइंट इज 0, 2, थर्ड पॉइंट इज -3, 4। ये तीन पॉइंट निकल गए मेरे पास पहली वाली इक्वेशन के लिए, समझ आया। इस वाली इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैंने x को इधर लिखा, 12 - 6y, x = 12 - 6y / 4, x = वही मैं टेबल बनाता हूं, एक्स वाई 0 रखा, तो ये हो जाएगा 12 - 0/4, 12/4 दैट इज 3। जब मैंने यहां पे 1 रखा तो देखते हैं क्या होता है, 12 - 6/4, 6 × 6 इसको हटा देता हूं मैं, 12 - 6 × 6/4 = 6/4 दैट इज 3/2। फ्रैक्शन में आया, मुझे अवॉइड करना चाहिए,
तो मैंने 1 ना लिख के 2 लिखता हूं, 12 माइनस 6 इंटू 2 12 अपॉन 4 दैट इज 0 अपॉन 4 मतलब 0। जब मैंने यहां पे 2 रखा तो 0 मिला, मुझे एक आइडिया लग गया है कि ये इवन नंबर पे एक इंटीजर दे रहा है, तो अब मैं 3 ना रख के 4 रखता हूं, माइनस 6 इंटू 4 अपॉन 4 12 माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 4 माइनस 12 अपॉन 4 दैट इज माइनस 3। माइनस 3 आया जब मैंने 4 रखा। ये मेरी दूसरी लाइन की दूसरी इक्वेशन से पॉइंट निकले, क्या क्या पॉइंट निकले, 3.0, 0.2, माइनस 3.4, ये पॉइंट निकले। अब तुम देख रहे होगे ध्यान से, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट सेम निकले हैं, इसका मतलब हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही लाइन पे दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाएगी। कैसे, देखो ये ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, मैं सबसे दूर जो पॉइंट देख रहा हूं वो 4 है, इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। मैं 3.0 ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3.0 दिस पॉइंट। सेकेंड इज 0.2, एक्स एक्सिस में यहां पे से ओरिजिन से शुरू होता है काम, जिसे ओरिजिन कहते हैं। पहला पॉइंट 0 है तो यहां से ये इधर उधर कहीं नहीं गया तो यहीं पे है, और 2 मतलब ऊपर को गया तो 0.2 आ जाएगा यहां पे। एंड थर्ड पॉइंट इज -3.4, 1 2 3, -3 और 4 कहां है, यहां ऊपर। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस ये लाइन बन गई, सीधी लाइन बन रही है, इसका मतलब ये पॉइंट बिल्कुल सही है हमारे निकले हुए। ये पहली वाली लाइन थी जो कि क्या थी बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 थी। अब जब मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ करूंगा तो 3.0 यहीं पे मिलेगा, 0.2 यहीं पे मिलेगा और -3.4 यहीं पे मिलेगा, मतलब दोनों लाइनें एक ही जगह पे बन रही हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं, सो ग्राफिकली We can say the equations has infinite solution. ये हमारा आंसर प्रूव हो गया, समझ आया। अच्छा अब इसी के ऊपर अगर मैं एक बात ये कहता हूं कि मुझे प्रूव करना है कि इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो क्या होना चाहिए, तो अगर नो सॉल्यूशन हमें दिखाना है तो लाइंस पैरेलल आएंगी, एक लाइन यहां आई तो दूसरी लाइन उसके पैरेलल आ जाएगी, क्लियर। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हें अभी करना है और जैसे ही बन जाएगा तो मुझे बता देना। तो बच्चों जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी, इस टाइप के ही क्वेश्चन तुम्हारे पास बोर्ड पे आने को, इस टाइप के ही क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में दिखेंगे, ठीक, और इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, क्लियर। तो आज हमारा ये टॉपिक यहां पे खत्म हो गया, कल जो हम मूव करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है या फिर एलिमिनेशन मेथड, हम इन दोनों मेथड में से कोई सा रिपीट कर सकते हैं और आगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी कल से, कल हमारी फोर्थ क्लास होगी, राइट। तो चलिए वीडियो को एंड कर रहा हूं, थैंक यू सो मच।